हाय गाइस, हाय दोस्तों, विवेक गुप्ता, MBBS काउंसलर नहीं, करियर काउंसलर, और मैं बाहर खड़ा हूँ रोड के ऊपर और लंच भी मंदिर करके आऊँ, और ये है भारतीय विद्यापीठ सांगली। और आई वॉज़ वेरी लकी, तीन बच्चों से बात की मैंने, अलग अलग तीनों बैचेस PG के थे, तो फार मोर मेच्योर टू गिव मी द फीडबैक। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय विद्यापीठ ग्रुप एक सीरियस एजुकेशन ग्रुप है, सो एज़ फार एज़ क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, सीरियसनेस इन द क्लासेस में कोई टेंशन नहीं है, वो यहाँ पर भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो है लोकेशन। देखिए, सांगली एक बहुत छोटा टाउन है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करोगे तो लाइक सोनीपत, लाइक हापुड़, तो फिर भी शहर में ये था कि हमें एक मैकडी, एक वो सब नज़र आ गया। बच्चों ने बोला, खैर बच्चों ने पॉजिटिवली बोलना चाहा कि सर देखिए छोटा शहर है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बट पूना से पूरा 5 घंटे का रास्ता है, वो जो पूना गोवा की रोड थी जो मैंने आपको कराड का वीडियो बनाया था, उस कराड से 20 किलोमीटर बाद बिजली लेफ्ट टर्न आया, कहने को ये हाईवे, नेशनल हाईवे, और पूरे 50 किलोमीटर हम अंदर आए। और उस वो जो पर्टिकुलर मोड़ था ना, वो मोड़ सांगली और कोल्हापुर एक 50 किलोमीटर का ट्रायंगल बनाते हैं। जी हाँ, उस मोड़ से कोल्हापुर ही 50 था, सांगली ही 50 था, और सांगली से कोल्हापुर 50 है, तो यहाँ से हम कोल्हापुर भी 50 से पहुँच जाएंगे, यहाँ से कराड पहुँचेंगे 70 में, और पूना तो पहुँचेंगे 5 घंटे में 200 किलोमीटर से ऊपर, तो बहुत दूर है, पहुँचने में दिक्कत रहेगी। तो जो हम बच्चे ये सोचते हैं कि भाई 3 दिन की छुट्टी पे घर चले जाएँ, तो सांगली में कोई एयरपोर्ट नहीं है, नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए आपको पूना 5-6 घंटे जाना पड़ेगा। वैसे देखिए, महाराष्ट्र इज़ ए वेरी सेफ कल्चर फॉर गर्ल्स स्पेशली, तो वो टेंशन नहीं है। बट फिर भी देखिए, लोकेशन ऑड है, क्योंकि जो बाकी सारे कॉलेज थे ना, जैसे हमें पता JLN वर्धा की लोकेशन ऑड है कि वो नागपुर से 1.25 घंटा 1.5 घंटा आ गया, ये तो 5 घंटा आ गया पुणे से, कोल्हापुर से भी 1.5 घंटा लगेगा, और कोल्हापुर दिल्ली या कोल्हापुर के किसी मेजर सिटीज में उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है। सो लोकेशन इज़ ए इशू। सेकेंड इज़, इससे चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो यहाँ पर सारे लोकल पेशेंट ज़्यादा हैं, बजाय कि एक कस्तूरबा टाइप का कॉलेज या अमृता फरीदाबाद, जो कि वहाँ पर एक क्लासी लोग भी आ रहे हैं। सो फ़र्क यह पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जब मैं ओवर हियर कर रहा था कैंटीन में, जब मैं बैठ के भी खाना खा रहा था, वो सिर्फ मराठी बोल रहे थे। तो MBBS के बच्चे के लिए, अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती, तो आई थिंक दैट क्लिनिकल एक्सपोजर माइट नॉट बी दैट ग्रेट। जो हम साउथ के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हल्की सी फीलिंग सांगली में भी आएगी। देखिए, पूना में नहीं आती है, पूना बॉम्बे से कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कराड़ में भी आनी शुरू हो गई थी, यहाँ तो पूरी आती है। और जब हम वहाँ से यहाँ आ भी रहे थे ना, एक बहुत छोटा सा आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए उधर ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है किसी सोसाइटी का, देखिए सब कुछ मराठी में लिखा हुआ है। तो बस ये आपको एक दिखाता है या बताता है कि यहाँ मराठी कल्चर है। मैंने बोला 50 किलोमीटर लंबी रोड थी, पूरा गन्ना बेल्ट है, और सांगली शहर आई थिंक वो जो होता है ना, गंगानगर शहर हो गया, कि भाई 50 किलोमीटर की रेडियस के किसानों के लिए एक शहर बस गया, जहाँ पर ATMs मशीन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट होगी, कि वो लोग आके अपनी शादी वादी की परचेजिंग कर सकें। इंडिया में कई टाउन्स होते हैं जो ऐसे डेवलप होते हैं, तो ये टाउन भी वैसा लग रहा है, कोई इंडस्ट्रियल टाउन नहीं लगा मुझे, एग्रीकल्चर के लिए लगा। फीस वही 1.25 करोड़ है, और इसका वही मुझे लगता है कि देखिए 1.20 यहाँ देने से अच्छा है कि हम उदयपुर के अमेरिकन में दें, उदयपुर के अनंता में दें, या 1.30 हम उदयपुर के गीतांजलि में दें, या 1.20 हम देखिए JNIMS में, हमें पता है कि थोड़ा कल्चरल को लेकर इशू है। बट अगर मैं राय संगीत 3 कॉलेज की बात करूँ, मैं बात करूँ सेम मार्क्स की, अगर आपके 400 नंबर आ गए फिर तो आप यहाँ भी क्यों ही आओगे, आपके पास MGM पनवेल या MGM औरंगाबाद होगा। सो आई विल, जितना मेरा अभी तक की समरी है ना, मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, कि JLN बेला का भी कर्नाटका में पढ़ जाता टेक्निकली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ उसे महाराष्ट्र में होना चाहिए था, वो कल्चर के हिसाब से, हर हिसाब से महाराष्ट्र, और वही जो रोड जा रही है पूना से गोवा, उसका आखिरी बड़ा शहर बेलागावी, बेलगाम है, जहाँ वो JLN है। JLN इज़ ग्रेट, MGM पनवेल इज़ ग्रेट, बजट भी उनका 1 CR के आसपास है, MGM वाशिया भी नया है, MGM औरंगाबाद इज़ गुड, हाथ पुणे इज़ ग्रेट गुड, डीवाई पाटिल नवी मुंबई पुणे वेरी एक्सपेंसिव, कोल्हापुर इज़ रीजनेबल, अभी उसको देखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू मुझे लगता है। देख, खाने में भैया हमने खाना खाया, मज़ा ऐसा नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा भाई मराठी टच है, और सारा वड़ा पाव वगैरह ही देते हैं, दे डोंट मेक टेस्टी नॉर्थ इंडियन फूड, जो कि हमें राजस्थान में या UP में या उत्तराखंड में मिल जाता है। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ, कट ऑफ ऊपर क्यों जाती हैं, देखिए भाई जो मैं हमेशा समझाता हूँ, MCC काउंसलिंग स्टेट से 1 राउंड पहले चलती है, तो मोस्टली क्लाइंट मेरे भी ये कहते हैं सर MCC राउंड 3 के बाद तो हमें वेट ही नहीं करना है, तो उसके बाद जो राजस्थान राउंड 3 आएगा, क्योंकि राजस्थान राउंड 2 तक क्लोज स्टेट है, तो आपको जो नॉन राजस्थानी बच्चे, जैसे अमेरिका, अनंतन, गीतांजलि मिल सकता है, शानदार कॉलेजेस,
प्योर नॉर्थ इंडियन कल्चर, खाना पीना सुपर हाई, पेशेंट फ्लो। यहाँ पर भी जो भी पेशेंट फ्लो है वो स्कीमों की वजह से, मुझे पीजी स्टूडेंट ने बताया दिन का 600-700-800 ओपीडी है, बिकॉज धर्मार्थ कॉलेज है। दो मुझे बसें भी अंदर खड़ी नज़र आई, आई थिंक ये आसपास के गांव में बसेज भी भेजते होंगे। और धर्मार्थ हॉस्पिटल चल रहा है तो फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, काम चलाओ जिसे बोलते हैं ना, मल्टी स्पेशलिटी नहीं है, और लिखे बराबर चैरिटेबल है, पब्लिक भी सारी वैसी ही थी। तो उसके अलावा ठीक है, उन्होंने कहा लोकेशन भी मुझे बहुत पसंद नहीं आई। हाँ, तो 1-20-25 खर्च करके उठ के यहाँ पर आने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए, इससे बहुत अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा था कि ख़राब है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट इससे बहुत अच्छी दूसरी आपको मिल सकती है, ठीक है। और आप हमारा नंबर जानते हैं 9643-62320, और जैसा मैंने कहा कि मराठी में लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है समर्थ हॉस्पिटल, ये एक लैंड बन रही है। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।